तो जेडीयू से मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी ललन सिंह आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर देखिए ललन सिंह के साथ जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं जिस गाड़ी में और आपको तस्वीरें दिखा सकूं तमाम समर्थकों की। सबसे पहले देखिए ललन सिंह इस बार एक बार फिर से दमखम के साथ तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सांसद बने थे मुंगेर से, जनता ने इन्हें चुना था और भारी समर्थन, कहा जाता है कि जेडीयू में अगर कोई नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा बड़ा बड़े कद का नेता है तो वो ललन सिंह है। और ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे ललन सिंह तमाम लोगों से, मुंगेर की जनता से आशीर्वाद लेते हुए। और क्या कहेंगे इस बार एक बार फिर से 400 पार का जो नारा है उसमें आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहेंगे? 400 का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, उसका 10वां हिस्सा बिहार का लक्ष्य है और बिहार में हम लोगों का निर्णय है और जनता का मूड है 39 पार 40। वो नारा एक ही लगा नहीं, मोदी इसलिए कि मोदी प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नेतृत्व वो कर रहे हैं देश का, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतीक हैं। अब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में किसको, संविधान का खतरा किसको मानते हैं? कौन सा खतरा है संविधान का? संविधान में खतरा यही ना है कि सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। सीबीआई ईडी विपक्षी दलों पे ही काम क्यों कर रही है, ये भी तो सवाल है उनका। तो उनके पास कोई प्रमाण है किसी भाजपाई का तो वो दे, सीबीआई के पास कौन रोका है? लेकिन सीबीआई और ईडी तो अपनी जांच करती है, अपनी समीक्षा करती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है। सिंह को डर लगता है ईडी सीबीआई से? कभी नहीं डरे हम लोग भी एनडीए से अलग रहे, तो कहाँ मेरे यहाँ सीबीआई, कहाँ मेरे यहाँ ईडीआई, कहाँ नीतीश कुमार जी के यहाँ सीबीआई ईडीआई। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, तो अगर जैसा किए हैं वैसा अगर पा रहे हैं तो इसमें मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं? संविधान बदलने की बात बार बार वो कह रहे हैं, उनको लग रहा है, विपक्षी दलों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से, सरकार में आने से एक कहीं ना कहीं दबाव है, ईडी सीबीआई को भी अगर हटा दे तो संविधान बदलने की ये जो बात है बार बार क्यों उठ रही है, क्या अगले 5 साल में ऐसा डर? दिमाग की उपज है ये, उनके दिमाग की उपज है और कहेंगे क्या? आज तक 10 साल मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रह लिए, तो मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का तो आरोप वो लगा नहीं सके, उनकी सरकार थी मनमोहन जी की, मनमोहन सिंह जी के 10 साल, तो ये जितना आरोप वो लगाते हैं विजय माल्या हो नीरव मोदी हो ये सब पैसा किसके समय में लेके भागा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस समय में, और आज आप उसका ठीकरा उन पर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं होता है?